अरे दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप कोई भी एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसका यूज़ करके आप इजीली रैंडमली सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ। आपको सिंपली सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले और इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आपको इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको अपना XAMPP फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर STDocs फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने फोल्डर कॉपी किया था इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो जैसे ये 2023 नाम से फोल्डर था तो मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब आप यहाँ पे इसे ओपन करोगे तो आपको इसके अंदर यहाँ पे चार फाइलें आपको मिलेगी। अब आपको लोकल होस्ट /phpMyAdmin ओपन कर लेना है। आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी वेब ब्राउज़र, आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरबॉक्स या सफारी कोई भी ओपन कर सकते हो। उसके अंदर आपको लिखना है लोकल होस्ट /phpMyAdmin। आपको इतना लिखने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पर लोकल होस्ट phpMyAdmin ओपन हो गया है। अब आपको सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको SQL की फाइल को अपलोड करना है। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पर मूव कर सकते हो या आप सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसे अपलोड कर सकते हो। जैसे आपके पास ये हमारे पास यहाँ पे SQL की फाइल है पेज मेकर, आपको यहाँ पर इसे ड्रैग करना है या आप इसे सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसे चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करके बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसे अपलोड करना है। जैसे हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको कंप्यूटर माय कंप्यूटर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी लोकल डिस होगी इसे ओपन करना है, फिर XAMPP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको HTDocs फोल्डर पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो फोल्डर पेस्ट किया था 2023, आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास पेज मेकर नाम की SQL फाइल होगी, आपको इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपकी जो है SQL की फाइल है यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी, या आप इसे इम्पोर्ट होना भी कह सकते हो। इम्पोर्ट और अपलोड का मतलब सेम होता है। तो आप जैसे देख रहे हो आपके पास यहाँ पर मैसेज आ चुका है, आपकी फाइल इम्पोर्ट हो चुकी है। अब आपको सिंपली ब्राउज़र में लिखना है लोकल होस्ट स्लेश, उसके बाद आपको लिख देना है 2023, क्योंकि आपका फोल्डर 2023 नाम से था। अब आपको एंटर कर देना। तो आप जैसे देख रहे हो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप टाइटल दोगे, क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन नंबर दोगे, उसके बाद आप टोटल मार्क्स दोगे और टोटल टाइम दोगे। इतना करने के बाद आपको जनरेट रैंडम मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे रैंडम मॉक टेस्ट जनरेट हो जाएगा। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो या आप इसे PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 101 का मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं, हमने यहाँ पर टाइम सब कुछ लिख दिया। उसके बाद आप जनरेट के बटन पर क्लिक किया तो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चन पेपर जनरेट हो चुका है। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन लिखा था, हमारे पास यहाँ पे 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आप Ctrl+P करके इसे प्रिंट भी कर सकते हो या Ctrl+P करने के बाद आप इसे PDF में सेव भी कर सकते हो। जैसे कि आपने इंसर्ट के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ से आप क्वेश्चन भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन इंसर्ट करने हैं, जो भी आप क्वेश्चन इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ माउस, तो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इस तरह के हमें यहाँ पे ऑप्शन देने हैं। और उसके बाद इंसर्ट के बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट के बटन पर क्लिक करके आप इजीली यहाँ से अपने क्वेश्चन, अपने खुद के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो।
अब जैसे हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो जो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ प्रिंटर, जो हमारा प्रिंटर है ये क्या है, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस है या प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है या प्रिंटर हमारा बोथ है, इनपुट आउटपुट बोथ या नोन ऑफ दिस। उसके बाद जैसे हम इंसर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हम आप देखो कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर टाइटल देते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट तैयार करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइटल देंगे, जैसे मैं हिमाचल क्लर्क का क्वेश्चन पेपर तैयार करना चाहता था तो मैंने यहाँ पे लिखा हिमाचल क्लर्क एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन दूंगा मैं जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 45 क्वेश्चन कर दिया। मैं यहाँ पे टाइम मार्क्स दूंगा कितने मार्क्स का टोटल हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा तैयार होगा, तो मैं यहाँ पे मार्क्स भी टोटल 45 देता हूँ। उसके बाद जैसे हम टाइम कितने टाइम का होगा कितने मिनट्स का होगा तो मैं यहाँ पे ये देता हूँ। उसके बाद मैंने जनरेट के बटन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका रेंडमली मॉक टेस्ट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। जैसे हमने 50 क्वेश्चन लिखे थे, यहाँ 45 क्वेश्चन लिखे थे तो यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मॉक टेस्ट जनरेट हो चुका है। आप कंट्रोल प्लस पी करके इसे प्रिंट भी कर सकते हो और आप कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करके इसे PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है इसकी इसकी जो रैम है ये कम है तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा होगा, आपकी रैम 4 GB या 4 GB से ज़्यादा होगी तो ये आपका बहुत जल्दी आपको प्रीव्यू डिस्प्ले कराएगा और आप इसे ईजिली प्रिंट कर सकते हो या सेव एज PDF फाइल फॉर्मेट में आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इजीली रैंडम क्वेश्चन पेपर जनरेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने लिए रैंडम क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो या कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर तैयार करने पड़ते हैं तो आपको मैनुअली MS वर्ड में इन्हें टाइप करना होता होगा और आप इसे रैंडमली क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा, लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इजीली मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको करना है सिंपली है कि आपको इंसर्ट क्वेश्चन में जाकर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको सिंपली इस पेज पे आना है और इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है कितने क्वेश्चन आप चाहते हो, कितने आप टाइटल देना चाहते हो, जो आप मार्क्स देना चाहते हो। उसके बाद आपको जनरेट के बटन पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे रेंडमली क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये जो ये सॉफ्टवेयर है मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप इसका यूज़ करके किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर किसी भी तरह के मॉक टेस्ट को जनरेट कर सके हो। ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हिमाचल IT ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर अगर जैसे मैं तैयार करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिमाचल IT ऑफिसर एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए, अब मैं यहाँ पे मार्क्स दूंगा कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा और उसमें यहाँ पे टाइम कितना होगा, तो मैंने टाइम दिया। उसके बाद मैंने जनरेट के बटन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन का मेरे पास यहाँ पर एक मॉक टेस्ट जनरेट हो चुका है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप भी इसे इजीली जनरेट कर सकते हो और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप किसी भी तरह के कितने भी क्वांटिटी में क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी किया तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू है उसका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा या हम इसे सेव एज PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इस तरह से आपके पास डिस्प्ले होगा, इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हो। आप इसे सेव के बटन पर क्लिक करके सेव एज PDF भी डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करके सी मोर पर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है कौन जो भी आपका प्रिंटर होगा, उसके बाद आपको प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो जाएगा।